अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया और फरमाया कि इस नूर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 12 हिजाब मुरत्तब फरमाए। हर हिजाब में जिस कदर के अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर था वो नूर रहा। फिर अव्वल हिजाब कुदरत में 12,000 बरस वह इस तस्बीह के अंदर मशहूर रहा, सुबहान रब्बी अल आला, मैं हुजूर का नूर ये तस्बीह करता रहा, सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला। 12,000 साल ये तस्बीह की। फिर दूसरा हिजाब अजमत और इसमें 11,000 बरस ये तस्बीह कहता रहा, सुबहान आलिम सिर व अख्फा। फिर तीसरा हिजाब सुन्नत, इसमें 10,000 बरस हुजूर का नूर ये तस्बीह करता रहा, सुबहान रफी आला। फरमाया कि फिर चौथा हिजाब रहमत, इसमें 9,000 बरस ये तस्बीह कही, सुबहान अल हय्युल क़य्यूम। फिर पांचवा हिजाब सआदत, इसमें 8,000 बरस ये तस्बीह पढ़ी, सुबहान मन हुआ गनीयुन ला यफ्तकिर। फिर सातवां हिजाब मंजलत और इसमें 6,000 ये तस्बीह पढ़ी, सुबहान अल अलीम अल हलीम। और फिर आठवां हिजाब हिदायत, इसमें 5,000 बरस इस विर्द में मशगूल है, सुबहान अल अर्शिल मजीद। फरमाया कि फिर नौवां हिजाब नबूवत, इसमें 4,000 साल तक हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर ने ये जिक्र किया, सुबहान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। फरमाया दसवां हिजाब रिफत, इसमें 3,000 बरस ये तस्बीह खानी की, सुबहान जिल मुल्क वल मलकूत। फिर ग्यारहवां हिजाब हैबत और इसमें 2,000 बरस ये विद रहा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। फिर बारहवां हिजाब शुजात और इसमें 1,000 बरस ये जिक्र किया, सुबहान रब्बी अल अज़ीम। तो मैं कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नूर है जो इतनी तस्बीहात करता रहा। तो मैं पहले दरियाए शफात में 1,000 बरस तैरते रहे और रब्बी रब्बी कहा। फिर दूसरे दरियाए नसीहत में 2,000 बरस तैरते रहे और इलाही इलाही कहा। फरमाया कि फिर तीसरे दरियाए शुक्र में 3,000 साल फिरते रहे और या सैयदी हुजूर का नूर पुकारता रहा। चौथे दरिया सबर में 4,000 बरस या अहद पुकारते रहे। पांचवा दरिया सखावत में 5,000 बरस या वाहिद पड़ा। और छठे दरिया इनाबत में 6,000 बरस या फरद पुकारा। और सातवें दरियाए यकीन में 7,000 बरस या अलियो पड़ा। और आठवें दरियाए हिल्म में 8,000 बरस गोता लगाया और या अजीम पड़ा। फिर नौवें दरियाए कनात में 9,000 बरस गुम रहकर कहा, या रऊफ या रऊफ। फिर फरमाया कि दसवें दरियाए मोहब्बत में 10,000 बरस तैरते हुए फरमाया, सुबोहन कुद्दोसुन सुबहान अल्लाह या करीम। और इसके बाद अल्लाह ने दरिया मोहब्बत के किनारे पर नूर कह के 10 बिसात पैदा फरमाए। उनमें से हर एक बिसात वसत और फराखी सातों जमीनों आसमानों से ज्यादा फरमाए रखी और एक बिसात पर 700 मकामात मुकरर फरमाए। यानी कि इतना बरस आका करीम अलैहि सलाम का नूर इस पूरी कायनात के वजूद में आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक फरमाया। फिर हर एक चीज को हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर से पैदा फरमाया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि इस नूर मुबारक ने दो नफल अदा की और इस दोगाना को कई हजार बरस में अदा किया। तकबीर तारीमा 1,000 बरस और फिर रुकू में गए तो 1,000 बरस, फिर हुजूर के नूर ने कौमा किया तो 1,000 बरस, फिर सईदा में रहे तो 1,000 बरस और जलसा के अंदर 1,000 बरस और इसी तरह हर रुकन के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर 1,000 बरस रहकर रब ताला की इबादत करता रहा। तो मैं तशहुद में रहे तो 1,000 बरस और हर सलाम में 1,000 बरस सर्व फरमाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे हबीब के नूर, तेरी इबादत कबूल है, अब मेरे दरबार में से जो चाहो तलब करो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैंने ये दुआ की, इलाही मुझे मालूम होता है कि तू मुझे किसी एक कौम का पेशवा और इमाम मुकर्रर फरमाएगा और उनको मेरी उम्मत और मेरे ताबे बनाएगा और इबादत फर्ज कराएगा और बतकाज बशरियत उनसे अदायगी इबादत में कसूर होगा। आज के दिन मैं अपनी इबादत अपनी उम्मत के काम में सरफ करके उनकी मगफरत की दुआ करता हूँ। अल्लाह अकबर, इतनी इबादत की। फरमाया कि या रब्बुल आलमीन, जो मैंने तेरी इबादत की है, जो तू मेरी उम्मत के लोगों पर इबादत मुकर्रर फरमाएगा, इबादत के अंदर उनसे अगर कोई कसूर हो जाए
तो या रब्बुल आलमीन मेरी इबादत के सदके उनकी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे हबीब के नूर, तू जो इनाम इस दुआ में तलब करता है मुझे बड़ा पसंद आया। तब ख्वाजा कायनात के नूर मुबारक इनायात और नवाजात खुदावंदी का मुशाहदा करके खुश खुर्रम हुए और आपको पसीना आया और नूर के चंद कतरे उसे गिरे। हक ताला ने एक कतरा को मंजूर नजर खास बनाया और 1,24,000 किस्म बनाकर हर एक किस्म से एक एक पैगंबर की रूह को पैदा फरमाया। यानी कि जितने भी अंबिया है वो सारे जुरे इस्लाम के मुबारक जिस्म से जो पसीना निकला है उनके कतरों से उनकी रूह को अल्लाह तबारक ने पैदा फरमाया। और फिर दूसरे कतरे के 10 हिस्से बनाए, एक से जिब्रील अलैहि सलाम को पैदा फरमाया, दूसरे से मीकाईल अलैहि सलाम को, तीसरे से इसराफील अलैहि सलाम को और चौथे से हज़रत इज़राइल अलैहि सलाम को और पांचवें से हामिलीन अर्श और छठे से रिजवान और सातवें से साकनान अर्श और आठवें से हज़रत दरदाइल और नौवें से हज़रत रासुल हुदा पैदा किए और दसवें हिस्से से फिर 10 हिस्से बनाकर उस अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श को, कुर्सी, लौह कलम को, आफ्ताब और महताब को, सितारों को, बहिश्त और रिजवान के 8वें खुलफा और हर हर खलीफा के 8,000 खुद्दाम फरिश्ते पैदा किए और 10वें हिस्से से फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक जोर को तूल अर्ज और 4,000 बरस की रात था पैदा फरमाया। और इस जोर को नजर हैबत से जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा तो वो हर हर जोहर हैबत इलाही से बेकरार होकर निस्फ पानी हो गया और निस्फ आग हो गया। फिर इस पानी से दरिया बह पड़े और इन दरियाओं की अमवाज से जो हवा पैदा हुई उस आग को पानी पर गालिब कर दिया तो वो पानी जोश में आया और इससे हिजाब झाग पैदा हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों को सीखे बना दिया। फिर जब बर्क उन पर गिरी तो उनसे मुआविनीन और काने अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई और जब लोहा पत्थर से टकराया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसे दोजा को बना दिया। फिर यहाँ तक इसके बाद जमीन को फैलाया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर वहूश यानी कि वैसी जानवर पैदा फरमाए, परिंदे, दरिंदे, गजिंदे और चार पाए और आदमी। फरमाया कि हमने इसे बनाए ताकि वो बासहूलत जमीन पर जिंदगी गुजार सके। फिर जमीन को 7 तबके बनाया, हर तबके पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मखलूक को पैदा फरमाया और जिन्नात को और जमीन पर तसरफ अता फरमाई। बहिश्त को अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्त अखलाक से ऊपर और दोजख को ताज सरा से नीचे मुतमक्कन फरमाया और जहान में रोशनी और हिसाब के लिए सूरज और चांद और सितारों को चमकाया और रोशनी और तरीकी के मवाद से दिन और रात को पैदा फरमाया। ये जितना कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है ये सारा कुछ हुजूर के नूर से तख्लीक फरमाया है। यानी कि जितना कुछ बना ये सारा कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर से बना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील बता तेरी उम्र कितनी है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र के मुतालिक कोई इल्म नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने शाफ़ में कोई अंदाजा तो होगा? अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इतना अंदाजा है कि हिजाबा के लाइया के चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद तुलू होता और मैंने उस तारे को 72,000 मरतबा देखा है। 70,000 साल के बाद एक सितारा तुलू होता और जिब्रील फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने साफ फरमाया, वइज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, ऐ जिब्रील मुझे अपने रब की इज्जत की कसम वो सितारा मैं हूं, वो सितारा मैं जो 70,000 साल के बाद तुलू होता, 72,000 मरतबा जिब्रील अमीन ने उसको देखा है। तो हुज़ूर फरमाते जिब्रील वो सितारा मैं हूं। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अल्लाह का नूर हैं और 70,000 साल के बाद तुलू होते, मैंने उसको 72,000 मरतबा देखा है, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जरा ये तो बताएं कि जो नूर जो 70,000 साल के बाद तुलू होता, 72,000 मरतबा मैंने देखा है, वो फिर 70,000 साल कहाँ रहता? इसलिए कि मैंने उसको देखा 70,000 साल के बाद, 72,000 मरतबा देखा है, तो इस दौरान वो नूर कहाँ गायब हो जाता था? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्रील, जब मेरा नूर कयाम करता फिर तो तुझे नजर आता और जब मेरा नूर रब की बारगाह में सजदा रेज होता फिर तेरी आंखों से वो जल हो जाया करता था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तख्लीक फरमाया और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। इस हदीस पाक को अल्लामा अब्दुर रज़ाक ने
रिवायत किया है, जो इमाम मालिक के शागिर्द हैं और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। आप फरमाते हैं कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला आप रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ। इरशाद फरमाइए सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस चीज को पैदा फरमाया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक तमाम मखलूकात से कबल अल्लाह ताला ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। फरमाया और वो नूर कुदरत इलाही से जहां अल्लाह की मशीयत थी दौरा करता रहा, जबकि लौह कलम जन्नत और दोजख फरिश्ते जमीन और आसमान सूरज चांद जिन और आदमी कुछ भी नहीं थे। फिर जब अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को पैदा करना चाहा तो उस नूर के चार हिस्से अल्लाह तबारक व तआला ने किए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके एक हिस्से से कलम को बनाया, दूसरे से लौह को, तीसरे से अर्श को बनाया, फिर चौथे हिस्से के फिर चार हिस्से किए। पहले से आसमान को बनाया, दूसरे से जमीन को, तीसरे से बहिश्त और दोज़ख को बनाया और फिर चौथे हिस्से के फिर चार हिस्से कर दिए। यानी कि पता चला जमीन और आसमान की जोश है अल्लाह तबारक व तआला ने तखलीक फरमाई है, वो सब कुछ हुजूर अलैहि सलाम के नूर से तखलीक फरमाई है। आला हज़रत फरमाते वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर को तखलीक फरमाया। और फिर हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम से खता सरज़द हुई और फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा की, इलाही मोहम्मद मुस्तफ़ा का सदका मेरे इस लफ्ज़ को माफ़ फरमा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदा, ए आदम तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना। आज की ऐ मालिक जब तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया है और उनके नाम को अपने नामे नामे इसने ग्रामे के साथ रखा है, जब मुझे तखलीक किया मैंने सर उठाया तो देखा जहां जहां तेरा नाम था वहां साथ साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम था, तो मैं समझ गया कि जिसका नामे नामे इसमें ग्रामे तेरे नाम के साथ लिखा हुआ है वो कोई आम हस्ती नहीं हो सकती। अल्लाह ने फरमाया कि ए प्यारे आदम तूने बिल्कुल ठीक पहचाना है, इसलिए कि लौला मुहम्मद लमा खलक्तुका, ए प्यारे आदम अगर मैं अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करता ए आदम तुझे भी पैदा ना करता। अल्लाह ने साफ में कुंतु कंज़म मख़फ़ियन, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमाते फअहबबतु अन उरफा, तो मैंने ये पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं, फखलक्तु नूर मुहम्मद, तो मैंने नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक फरमा दिया। और हज़रत इशीस अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया बजान आपकी शान ज्यादा है या नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ज्यादा है, तो आदम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर दूसरी मरतबा पूछा बजान बताएं किसकी शान ज्यादा है, आदम अलैहिस्सलाम फिर खामोश रहे। जब तीसरी मरतबा पूछा तो आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए बेटे मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था लौला मुहम्मदुन लमा खलक्तुका, ए आदम अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करता तो ए आदम तुझे भी पैदा ना करता। बेटा खुद अंदाजा लगा किसकी शान ज्यादा है, अल्लाह ने हमें भी तखलीक किया है तो भी हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से तखलीक फरमाया है। और मक्तूबात के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं लौला ता लमा अज़हबुर रबूबिया, अगर मैं प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे पैदा ना करता मैं अपना रब होना भी जाया ना करता। अगर मैंने अपना रब होना भी जाहिर किया है तो महबूब सिर्फ और सिर्फ तेरी खातिर जाहिर किया है, इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीन और ज़मां तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए हम आए यहां, तुम्हारे लिए उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये सारा कुछ जितना कुछ कायनात के अंदर नजर आता है ये सारा कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वजह से है, सारा कुछ अल्लाह तबारक तआला ने ज़ोर के नूर से तख्लीक फरमाया है। इसलिए अल्लाह शाह फरमाते हुवल अव्वलो, मेरा महबूब अलैहिस्सलाम सबसे अव्वल है, इसलिए कि मैंने सबसे पहले अपने महबूब अलैहिस्सलाम के नूर को तख्लीक फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुंतु अव्वलुन नबियीन फिल खल्क व आखिरुहुम फिल बाथ, तो मैं पैदाइश में सब नबियों से अव्वल हूँ और बेसत में सब नबियों से आखिर हूँ। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक फरमाया है और जब बेसत की बारी आई अल्लाह ने सबसे आखिर के अंदर मुझे महबूस फरमाया है। मियां साहब फरमाते नूर मोहम्मद रोशन आहा, आदम अजीना होया अव्वल आखिर दोए पासे ओहो मल खलोया।
तो मैं अव्वल देखो तो भी हुजूर की जात है और आखिर देखो तो भी हुजूर की जात है, इसलिए कि जो अव्वल होता है वही आखिर होता है और जो आखिर होता है वही अव्वल हुआ करता है। मिसाल के तौर पे समझने के लिए कि आप एक आम खाते हैं, आम खाने के बाद आपके हाथ के अंदर गुठली आती है और उस गुठली को आप जमीन के अंदर लगाते हैं, जब जमीन के अंदर लगा देते हैं उससे कोपल निकलती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बढ़ता हुआ वो एक दरख्त बनता है, फिर उस पर बूर लगता है और फिर उस पर छोटा सा एक आम का एक लगता है, फिर जब आम कच्चा होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पक जाता है, पकने के बाद फिर आपके हाथ के अंदर आता है, जब आप खाते हो उसके बाद फिर आपके हाथ के अंदर गुठली रह जाती है, यानी कि पहले भी गुठली थी और जब आखिर के अंदर आई तो फिर भी गुठली है, यानी कि जो चीज अव्वल है वही आखिर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम सलाम आखिर के अंदर भी मबूस हुए, इससे पता चलता है हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे अव्वल भी हैं। इसलिए नूर मोहम्मद रोशन आहा आदम जेना होया अव्वल आखिर दोए पासे ओह मल खलोया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम अव्वल भी हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम आखिर हैं कि सब नबियों से आखिर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वज़ाहिर वल बातिन, मेरा माबूद जाहिर भी है और बातिन भी है। जाहिर तो इस तरह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हर एक जानता भी है, पहचानता भी है, चाहे वो कोई शजर हो, चाहे कोई हजर हो, चाहे कोई चरिंद हो, चाहे कोई परिंद हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई जिन हो, चाहे कोई फरिश्ता हो, हर एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जानता भी है, पहचानता भी है कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के आखिरी नबी है, आका करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुजीदा नबी है, हर एक जानता और पहचानता है। तो इस तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलाम जाहिर भी है और हुजूर बातन भी हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मुझे एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ प्यारे सिद्दीक, आप हर वक्त मेरे साथ होते हैं, मैं सफर में तू भी मेरे साथ है, हजर में तू भी मेरे साथ है, हत्ता कि जहां जहां मैं जाता हूँ ऐ सिद्दीक आप मेरे साथ हैं, लेकिन मेरी हकीकत को सिवा मेरे खुदा के और कोई नहीं जानता, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे खुदा के और कोई नहीं जानता, इसलिए कि मोहम्मद सिर्फ इबादत है, कोई रमजान की क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने, हकीकत मोहम्मद ही पा कोई नहीं सकता, इथां चुप दी जाए अल्लाह कोई नहीं सकता। तो मैं तो हुज़ूर इस्लाम की हकीकत को कोई भी नहीं पहुंच सकता, यहां तक के आका करीम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाया जिब्रील मैंने तुझे हकीकी सूरत के अंदर देखा है, फरमाया मैंने जिब्रील को देखा कि उनके 600 पर हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की हकीकत को तो देखा है लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कभी हुज़ूर की हकीकत को नहीं देखा, इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हकीकत को सिवाय रब की और कोई जानता नहीं है। तो पता चला अल्लाह इरशाद फरमाता है वल अव्वल वल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन, वो अव्वल भी है वो आखिर भी है, वो जाहिर भी है वो बातिन भी है, इसलिए ये आयत मुकद्दसा हमद खुदा भी है और नात मुस्तफा भी है कि जिस तरह अव्वल और आखिर जाहिर और बातिन अल्लाह ताला के अस्माउ और सिफात हैं, इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अस्माउ और सिफात भी हैं कि हुज़ूर अव्वल भी हैं, हुज़ूर आखिर भी हैं, हुज़ूर जाहिर भी हैं और हुज़ूर बातिन भी हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर उस वक्त भी नबी था, तुम तो नूरम बैना यदै रब्बी क़बला खल्क़ आदम बि अरबाता अशरा अल्फ आम, फरमाया कि मैं अपने रब के यहां आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 14,000 साल पहले नूर था, आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 14,000 साल पहले भी नूर था। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजा मता वजबत लगन नबुवा, या रसूलल्लाह आप पर नबुवत कब वाजिब हुई, कब आपको नबी बनाया गया, जूने फमा तुम तो नबी हो व आदम बैनल माए वतीन, तो मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मट्टी के दरमियान थे, नहीं अभी उनका खमीर तैयार नहीं हुआ था, मैं तो उस वक्त भी अल्लाह का नबी था, तुम तो नबी हो व आदम बैन रूह वल जसद, जब आदम अलैहिस्सलाम भी रूह और जिस्म के दरमियान थे मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था। पता चला अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नूर को तखलीक फरमाया और हर एक चीज को हुज़ूर के नूर से तखलीक फरमाया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को हुज़ूर से सच में नसीब फरमाए, आमीन।